हमारे वसाइल, हमारा समंदर, हमारा तेल, हमारी गैस और तमाम कुदरती वसाइल, हमारे पोर्ट्स, इसकी जो भी इनकम है ये हमारे सूबे के पास होनी चाहिए, ये तमाम उसके वसाइल होने चाहिए और उसका अख्तियार भी इसी सूबे की हुकूमत को होना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे हमारी बेहतरी के लिए जो काम कर सके। मैं नहीं समझता कि ये बात करना कोई जुर्म है, मैं नहीं समझता कि ये बात करना कोई जुर्म है, ये कोई गुनाह की बात है। अगर ये गुनाह की बात है तो ये गुनाह करना हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ये करते रहेंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी खुद मुख्तियारी की बात करती है, हम चाहते हैं कि माली तौर पे, इंतजामी तौर पे, सियासी तौर पे ये सूबा खुद मुख्तियार होना चाहिए, इसके अख्तियारात और वसाइल इसके पास होने चाहिए। सिंध यूनाइटेड पार्टी वसाइल की मालिकी, हक हुक्मरानी, खुद मुख्तियारी, समाजी इंसाफ और खुशहाली का पैगाम इस सूबे और मुल्क भर के लिए ये लाई है। आप हमारे साथ शमूलियत करें, आप सिंध यूनाइटेड पार्टी में शामिल लो। सिंध यूनाइटेड पार्टी का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, हम किसी नफरत से, हमारा मोहब्बत का पैगाम है। हमें यकीन है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होगा, हमें यकीन है कि मोहब्बत का पैगाम जो हम लाए हैं, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होगा। हम किसी से नफरत नहीं करते, हाँ एक चीज से नफरत करते हैं, वो ये है कि हम नफरत से नफरत करते हैं, हम नफरत से नफरत करते हैं। हम कहते हैं, कहते रहे हैं कि हम मोहब्बत वाले लोग हैं। हम अगर अपनी जमीन, अपनी धरती के लिए जिए सिंध की बात करते हैं तो इसमें कोई गद्दारी की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि हर सिंध में रहने वाले लोग को, हर एक को जिए सिंध कहना होगा और अपनी शनाख्त, अपनी शनाख्त इस जमीन से कराएं। आप अपनी शनाख्त सिंध से कराएं, आप अपनी शनाख्त सिंधी के तौर पे कराएं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारा सिंध, तुम्हारा सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध। हम यही कहते हैं कि हमारा सिंध, तुम्हारा सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध। तमाम लोग जिनके मुस्तकिल मफादात इस जमीन से हैं, इस सिंध से हैं, वो सब सिंधी हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की तालीम का मयार बढ़े, हम चाहते हैं कि यहाँ का सेहत का मयार बढ़े, हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार के वसाइल और ज्यादा होने चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब रहने वालों का इसमें फायदा हो। यही सिंध यूनाइटेड पार्टी का पैगाम है। सिंध, मेहरबानी दोस्त।